अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बेकिंग की सेकंड क्लास और आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ वेनिला केक। ऑफ कोर्स बेकिंग स्टार्ट होती है तो वेनिला केक से ही होती है, और ये वाला वेनिला केक मेरा फेवरेट है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ये फ्लफी भी बहुत है, सॉफ्ट है बिल्कुल। और इसको आप यूज कर सकते हैं बर्थडेज के लिए और या कोई भी ओकेजन के लिए, मतलब किसी भी केक बेस के लिए आपने इसे यूज करना है आप कर सकते हैं। इसको आप कवर कर सकते हैं व्हिप्ड क्रीम से, बटर क्रीम से, या फिर फोंडेंट से, गनाश से, किसी भी चीज से आपने कवर करना है तो ये बहुत अच्छा रहता है। एक चीज मेंशन करनी है, ये किचन स्केल है और मैं ये यूज करूंगी। मैं आपको कप्स में स्पून में मेजरमेंट नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी कमेंट्स आने शुरू हो गए पहली वाली क्लास के ही कमेंट सेक्शन में कि आपने प्लीज हमें ग्राम्स में मेजरमेंट देनी है, तो वो ज्यादा अच्छा आइडिया मेरे अपने माइंड में भी ये, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज हैं जो हैं ही सारी ग्राम्स में, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली मैं उन्हें कप्स में डाल के मेजर करती हूँ और फिर मैं आपको कप्स में बताती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा आइडिया है, ज्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी यही चाहते हैं ग्राम्स में, तो ग्राम्स में ही करते हैं। इससे क्या होगा कि रेसिपी में एक्यूरेसी आ जाएगी। आपके पास कप है, मग है, प्लेट है, जिसमें भी आपने मैदा डालना है आपको पता है कि मेजर कितना करके आपने डालना है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। अगर आप ओवन में बेकिंग करते हैं या अगर आप स्टोव टॉप पे करते हैं, ओवन के बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन ये किचन स्केल जो है ना, इसके बगैर फिर गुजारा नहीं होता और रेसिपीज खराब हो जाती है। जो तो बेकिंग के एक्सपर्ट है वो तो कप और स्पून से भी मेजर करके अच्छा बना लेते हैं। तो खैर चले जी स्टार्ट करते हैं, चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए हैं, जो जो रूम टेम्परेचर पे रखना है वो हो चुका है और अब मैं इसको प्री हीट करने लगी हूँ अवन को। सबसे पहले मैंने ले लिया है बटर, ये रूम टेम्परेचर पे है, बिल्कुल मेल्ट करके नहीं बटर लेना। मुझे काफी कमेंट्स ये भी आते हैं कि हम माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर सकते हैं, मेल्टेड और सॉफ्टन बटर में बहुत डिफरेंस होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है ये कोकोनट ऑयल। आपने देखा होगा अक्सर मेरी जो तिक्के की रेसिपीज होती हैं उसमें चिकन में मैंने साथ कोकोनट पाउडर डाला होता है, क्योंकि उसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्स्चर आता है लेकिन फ्लेवर नहीं आता। सो इसमें भी आप कोई भी आम वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस होती है कोकोनट ऑयल डालूं। क्वांटिटी इतनी थोड़ी है कि आपको इसका फ्लेवर नहीं फील होगा। इसको बस हमने मिक्स किया और उसके बाद डाल दिया इसके अंदर चीनी। लाइटिंग का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, सो प्लीज डोंट माइंड द लाइटिंग, कभी कुछ आ जाती है कभी कुछ आ जाती है। तो मैंने वो रिंग लाइट एक्चुअली नहीं ली हुई, सोच रही हूँ कि वो भी ले लूँ, बट एनीवेज। तो इसमें मैंने डाली है चीनी, ग्रैनुलेटेड शुगर डाली है, पाउडर करने की कोई जरूरत नहीं है इस रेसिपी में, और बस डालें और आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक कि ये जो बटर है ना ये लाइट कलर का हो जाए। बटर में शुगर जो है ना वो डिजॉल्व नहीं होगी, लेकिन वैसे क्रीमी सा हो जाएगा ये मिक्सचर। शुगर लेटर ऑन खुद ही जो है ना बेक होने पर डिजोल्व हो जाएगी, आपने उस चीज की फिक्र नहीं करनी। मैंने तीन बड़े बड़े साइज के अंडे लिए, या तो आप 3 eggs ले लें या फिर जो मैंने ग्राम्स में लिखा है वो उस तरह से आप अंडे ले लें और थोड़े थोड़े से आपने डाल लें और इसको फिर आपने मिक्स करना है। अंडों के लिए प्रोसेस ये होगा कि अगर आपके पास अंडे छोटे हैं तो खुद से आपने 4 नहीं डालने, अंडे डाल के ना उनको बीट कर लें और उनका टोटल वेट देख लें और फिर थोड़े थोड़े डाल के इसमें आप बीट करते जाएं, ठीक है। तो मैं 1 by 1 इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मिक्सचर होगा ना जब आप इसमें बीट करना शुरू करेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि मिक्सचर कर्डल हो रहा है, यानी कि फट रहा है थोड़ा सा ना, तो उसमें लिक्विड सा अलहदा हो रहा है और ऑयल अलहदा हो रहा है, तो उस चीज की फिक्र आपने नहीं करनी है, इसका मतलब है कि इसको और मिक्सिंग चाहिए। बस ये लास्ट एग भी इसमें मैंने डाल दिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी वेनिला एसेंस, इसको भी हम बीट कर लेंगे। बस एक एक इंग्रेडिएंट डालते जाना है और आपने इसको बीट करते जाना है। अब इसमें जाएगा रूम टेम्परेचर मिल्क और रूम टेम्परेचर पे ही मैं इसमें ऐड करूंगी योगर्ट, और योगर्ट जो है ना वो मैंने पहले ही विस्क करके रखी हुई है ताकि लंप फ्री हो जाए। ये देखें कर्डल हो गया ना, ऐसे फील हो रहा है कि ओहो ये तो बैटर खराब हो गया, इसको बीटिंग की जरूरत है। इसके अंदर मैंने डाला है बेकिंग पाउडर और साथ में इसमें अब जाएगा मैदा। केक में तो आप अपनी हैबिट बना लें कि हमेशा सिफ्ट करके मैदा डाला करें, बेशक साफ भी हो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि सिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से केक का टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो एनीवेज यहाँ पे मैं इसको पहले मिक्स कर लूंगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसमें मैंने इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर डाल दिया तो सारा धुआं बन के ना मैदा यहाँ वहां उड़ जाएगा, तो बस इसे बेसिक से मिक्सिंग करके अब इसको प्रॉपरली हम विस्क कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट भी डाला है,
सॉल्ट से फ्लेवर जो है ना वो बहुत एनहांस हो जाता है किसी भी बेकिंग आइटम का। ये देखिए विस्क करते ही इसका टेक्सचर चेंज होना शुरू हो गया। बस ये स्टेप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। और बोल को स्क्रेप ऑफ करते जा करें साइड से, ताकि अच्छी तरह से इवनली सारा बैटर आपका मिक्स हो जाए। बस जी ये मिक्स हो गया, उतनी देर में जो अवन है वो भी प्री हीट हो गया है, और ये जो केक पैन है इसको मैंने लगा लिया था बटर, और उसके बाद मैं इसके ऊपर मैदा डाल दूंगी थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से मैं लगा दूंगी पूरे पैन पे। जब आप इस तरह कर लेते हैं ना तो आपको पार्चमेंट पेपर लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो केक जो है ना वो स्टिक नहीं करता पैन से। लेकिन मैंने ये गिफ्ट मार्केट से पैन लिया हुआ है और जरा ये थिन सा पैन है, तो मैंने डर के मारे फिर भी पेपर लगा लिया है कि चलो कोई नहीं। अगर आप इस तरह डायरेक्ट पेपर लगा रहे हैं ना, तो फिर आपको इसको पैन को प्रिपेयर करने की, ऑयल और मैदा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम पेपर कर लेगा, इसको लगने नहीं देगा बेस पे। होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया है। तो दोनों में से एक काम आपने करना है, या पार्चमेंट पेपर लगाना या पैन को प्रिपेयर कर लेना। अच्छा जी, लास्ट में मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है बैटर, ये काफी थिक सा बैटर होता है। इसको बस मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर, मतलब प्लेन कर दिया सरफेस, और उसके बाद इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट्स लगेंगे। अगर आपका ओवन ज्यादा हीट करता है तो आप इसको 170 डिग्रीज पे भी रख सकते हैं, इवन 165 पे भी आप इसको बेक कर सकते हैं। और ये देखें, टूथपिक आप डाल के देखेंगे, अगर क्लीन निकलती है तो इसका मतलब है ये बेक हो गया है। अब ये ठंडा हो गया था, ये नेक्स्ट डे की वीडियो, मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको, और ठंडा होने के बाद मैंने फिर इसको कट कर लिया था। ये अभी मैं आपको दिखा दूंगी इसकी फाइनल लुक। मेरा चूंकि पैन नया था, तो ये देखिए कई चीजों से आप सीखते हैं। अगर आपने नया पैन लिया तो ये हो सकता है अगर पैन का बॉटम जो है ना वो थिन है ना, जैसे गिफ्ट मार्केट से तो आपको पता है ऐसी टाइप ही चीज मिलेगी, तो इसका टेम्परेचर अगर मैं 170 पे रखती तो जरा ज्यादा ब्राउन ना होता, बट इट्स ओके, मैं इसको नीचे से रिमूव नहीं करूंगी। अगर आपका इस तरह से हो जाए केक तो आप उसके किनारे भी काट सकते हैं, आप उसे नीचे से भी कट कर सकते हैं, बट मैंने तो घर के लिए ही बनाना है तो हम ये सारा यूज कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा चीजें हम इसकी काट के फेंकेंगे नहीं, जाया नहीं करेंगे रिस्क को खाम खा में। ये देखिए कितना अच्छा इसका स्पंजी सा टेक्सचर आता है, और बहुत सॉफ्ट केक है, और जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं फ्रॉस्टिंग कैसे बनाऊंगी इसके लिए, और फिर इसको फ्रॉस्ट करके प्यारा सा केक बना लेंगे और आपसे नेक्स्ट बेकिंग क्लास में वो शेयर करेंगे। तो ये था जी वेनेला केक, और मैं आपको इंशाल्लाह स्पंज केक भी सिखाऊंगी, कैस्टेला टाइप के जो केक्स होते हैं वो भी सिखाऊंगी। बहुत कुछ है, लेकिन चलें स्टार्ट में एक एक चीज मैं आपको नेक्स्ट, हर दफा नहीं बताया करूंगी नेक्स्ट मैंने क्या सिखाना है, लेकिन बस सिखाती चली जाऊंगी। तो आपके जो भी आपके जहन में कोई आइडिया हो आपको क्या सीखना है वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, तो मैं उनको भी नोट डाउन कर लूंगी अगर मैंने ऑलरेडी पाइपलाइन में नहीं रखा हुआ उन्हें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी फेवरेट फ्रॉस्टिंग जो है ना वो कौन सी है, और जो कि मुझे बहुत इकोनॉमिकल भी रहती थी, और उसका टेस्ट इतना कमाल का होता है ना कि बस मजा आ जाता है। और मैं तो आज ही बनाऊंगी, सो आपको लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगी। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।